इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद नाना पटोले का बड़ा दावा, महाविकास अघाड़ी के पास बहुमत है। नाना पटोले ने कहा अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो सरकार बचेगी। नाना पटोले ने कहा उनके पास उतने नंबर नहीं जितने दावे कर रहे हैं। अखिलेश हमारे साथ है। अखिलेश, इस खबर के पीछे आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, नाना पटोले, बाला साहब थोरात, अशोक चौहान, ये सभी मातोश्री गए थे और वहां सीएम से इन्होंने मुलाकात किया है। हालांकि इनका पहले से दावा है कि जो सिंधे गुट में 40 विधायक गए हैं उसमें से 15 से 20 हमारे संपर्क में हैं और वो मुंबई आते ही पलट जाएंगे या जब भी फ्लोर टेस्ट की बात आएगी क्रॉस वोटिंग करेंगे, इन्हें पूर्ण विश्वास है और इनके टच में भी है। इसी बात को लेकर शरद पवार भी आश्वस्त हैं और जिस वजह से उन्होंने सीएम को दो बार इस्तीफा देने से रोका है और ये सभी तीनों जो दल हैं ये चाहते हैं कि उन लोग एक बार आ जाएं और फिर हम अपने अपने तरीके से उन्हें मना लेंगे और हमारे साथ में हम फ्लोर टेस्ट में हमारे पास वो आ जाएंगे और इसलिए हमारी सरकार बच जाएगी। और यही कॉन्फिडेंस तीनों ही नेताओं के चेहरे पे दिख रहा है। जिस तरह से नाना पटोले कह रहे हैं उसी तरह से एनसीपी वाले भी कह रहे हैं और शिवसेना वाले भी। आप जो बता रहे हैं, लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, ये जो भी आप बोल रहे हैं इसका मतलब क्लियर कट है कि इनको अंदाजा हो चुका है कि फ्लोर टेस्ट जल्द होने वाला है? जी बिल्कुल, ये बात तो तय है, इन्हें भी पता चल गया है कि ये फ्लोर टेस्ट होगा और जिस तरह से इन्होंने भी अपने कानूनी सलाहकारों से, जानकारों से जो बैठक की है, इन्हें ये पता है कि राज्यपाल कोविड में कोरोना की वजह से भर्ती थे, फिर डिस्चार्ज होके आए, किसी भी पल वो फ्लोर टेस्ट के लिए कॉल कर सकते हैं और उसके बाद इनकी भी तैयारी है और सामने बीजेपी भी तैयारी कर रही है। अब देखना ये होगा कि बहुमत कौन साबित कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।